दोस्तों नहीं बन पाई टीम इंडिया तीसरी बार विश्व चैंपियन। रोहित और विराट का सपना सपना ही रह गया और टूट गया रोहित का एज अ कैप्टन विश्व चैंपियन बनना। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 6 विकेटों से बड़ी हार मिली और ऑस्ट्रेलिया ने 42 बॉल रहते हुए ये मैच खत्म कर दिया। और टीम इंडिया के हारने के बाद बहुत लोगों के दिल टूट गए, क्योंकि टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेलते हुए आई थी और कितने सारे मैच तो इन्होंने वन साइडेड हराए थे। पर आज ना इंडिया के साथ लक था, ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली। और दोस्तों ये जो अंपायर है जिनका नाम है रिचर्ड कैटरब्रोक, ये इंडिया के हर उस आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में अंपायर रहे हैं जिसमें इंडिया को हार मिली थी। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आज के मैच में भी यही अंपायर थे। ये अंपायर इंडिया के लिए इतने ज्यादा अनलकी है, फिर भी आईसीसी ने इनको ही अंपायर क्यों चुना? रिचर्ड कैटरब्रोक ने जब जब इंडिया के नॉकआउट मैचेस में अंपायरिंग की है, इंडिया जरूर मैच हारा है और आज भी वही हुआ। तो ये अंपायरिंग में क्यों आया जब ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा अनलकी है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पर अंपायरिंग की बात अलग है, फिर भी टीम इंडिया ने आज बहुत ही ज्यादा साधारण मैच खेला। ना तो उनकी बॉलिंग चली, ना ही उनकी बैटिंग चली। रोहित शर्मा ने आते ही तुरंत आक्रमण शॉट मारे थे, लेकिन शुभम गिल आज बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने इनिंग को संभाला, पर उसके बाद विराट कोहली अपने 50 करते ही आउट हो गए। फिर बस उसके बाद क्या, बैट्समैन आते रहे और जाते रहे। केएल राहुल ने फिर काफी हद तक टीम का स्कोर आगे लेके गए, पर उन्होंने बहुत ही धीमी पारी खेली, 109 बॉलों में सिर्फ 66 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आज बहुत अच्छी हुई, पैट्स कमिंग ने 2 विकेट लिए, स्टार्क ने 2 विकेट लिए और हेजलवुड ने भी 2 विकेट लिए। पर वहीं जब इंडिया की बॉलिंग आई तो उन्होंने 50 रन में ही 3 विकेट ले लिए थे। वहां पर लग रहा था कि इंडिया गेम में बहुत ज्यादा अंदर है, पर फिर ट्रेवल्स हेड और लबुशेन की साझेदारी बनी और टीम इंडिया से ये मैच बहुत दूर चला गया। सबको लग रहा था कि विकेट अब आएगा, लेकिन वो विकेट आया नहीं और ट्रेवल्स हेड भारत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और भारत और विराट और रोहित का सपना चूर चूर कर दिया। और शमी और बुमराह ने इस मैच में उम्मीद तो जगाई थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वर्ल्ड कप को जिता सके, क्योंकि बुमराह ने 2 विकेट और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया था। पर इसके बावजूद भी इंडिया जीत नहीं पाई और सच में ये हार बहुत ज्यादा चुभेगी, क्योंकि 2003 का बदला लेना था, लेकिन वो बदला हम नहीं ले पाए, बल्कि 2003 की तरह ही ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गए। आखिर इंडिया ही क्यों हर बार बड़े मैचेस में बेकार खेलकर बाहर हो जाता है, जैसे 2014 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल श्रीलंका से हार गया और 2015 का वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। फिर 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार मिली। फिर 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान से हार मिली। फिर 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार मिली। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार मिली और फिर अब 2023 के वनडे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली। और एक ऐसी टीम वर्ल्ड कप विजेता बन गई जिसको वर्ल्ड कप की जरा सी भी कदर भी नहीं। इस फोटो में आप देख सकते हो पैट कमिंस कैसे वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के बैठे हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, ओवरऑल टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेली, पर फिर भी टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हारने की क्या वजह थी, कमेंट करके अपने राय जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।